ਮੇਰਾ ਜੀ ਪੈਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਬਿੱਲੂ। ਯੈਸ ਮੈਡਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਿੜਕੀ ਪੇ ਕੇ ਲੈ ਰਹਾ ਯਾਰ। ਵੋ ਮੈਡਮ, ਵੋ ਸਵੀਟੀ ਨਿਕਲਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਬੋਲਾ ਥਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲੂੰਗੀ ਤੋ ਹਾਥ ਦਿਖਾਨਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਖੜਾ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂ ਫਿਰ ਹਾਥ, ਇਧਰ ਆ ਤੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖ ਗਾਡੀ ਕੀ? ਓ ਬਿੱਲੂ। ਮੈਡਮ, ये इसकी आंखें ऐसी है? यो, हाँ ऐसी है। तुम्हें प्रॉब्लम है इसकी आंखों से? नहीं, मैंने जन्म से ऐसी है। जन्म से ऐसी है? कितने बेटी बयानी इतनी पूछताछ ले रहा। एक तो गाड़ी चोरी हुई, ऊपर से हमारे जो है बेचारे बालक की आंखों पे तुम्हें जो है नजर आ रही तुम्हारी। देखो मैडम, मैं मैडम कंजी हो या ब्लैक हो या व्हाइट हो या कैसी भी हो, लेकिन यार दो ना यार, डिटेल विटेल है गाड़ी की, दो और निकलो यहाँ से। जब गाड़ी मिल जाएगी तो बता देंगे, यहाँ फालतू की बातें मत करो यहाँ पे। हाँ तो क्या हो गया, मैं गुजराती मानुष समझे ना। ये देखो सब है ना रेडी करके रखा है, इसमें है ना रजिस्ट्रेशन, RC बुक, इंश्योरेंस सब कुछ है, PUC भी है। हाँ चलो, खेलो मत मेरे साथ, चलो निकल लो यहाँ से। चलो चलो। हाँ ट्विंकल ब्यूटी पार्लर। अरे देखो वो हमारी सहेली है, उसका कर दो गोल्ड फेशियल और बॉडी पॉलिशिंग वगैरह। लक लक उपरा रब्बा तेरा। बच गए भैया, बच गए। वेल, अगर वो कार वाला हमें लेता पहचान इसका, मॉम ले लेती हमारी जान इसका। हेलो। हाँ अरे यार, नंबर सेव है मेरे पास, पता है स्मार्ट मैकेनिक बोल रहे हो। हमारे काम का क्या हुआ, गाड़ी का क्या हुआ, जल्दी कर दो यार। देखो प्लीज जल्दी कर दो, हमारे पास ना ज्यादा टाइम नहीं, हमको अर्जेंट है। हाँ ठीक है, ओके ओके। भैया स्मार्ट मैकेनिक का फोन था, वो बोल रहा है उसने गाड़ी में से डेंट निकाल दिया, अब सिर्फ पेंट करना बाकी रह गया। हाँ बस ये किसी भी तरह ना दो दिन बीत जाए, उसके बाद हम पे कोई मुसीबत ना आए बस। हेलो जी। शट अप। के गई थी मैंने, के गई थी कल कि दोबारा लेट आए तो बर्दाश्त ना करूंगी। ओ ना, ओ मेरा स्कूटर है ना जी, वो फाड़ में जाया थारा स्कूटर, कुएं में पड़े और कुएं में पड़े तू। एवरीबॉडी उस दीवार से छिपकली बन के चिपक ले तू बिल्लू, चल। ज्यादा चर्बी आ रहा है तू, उम्र का लिहाज कर रही हूं तो फैल रहा है कतई, बंदर बन जा। कोई खास फर्क नहीं है ना, इबिना। मैडम किधर हो? हम आ गया हूँ। अच्छा थैंक यू, तू आ गया है तो इब के नाचू, मैं नाचू। अब क्यों आ तू? मैडम जी मैं हूँ बबलू माली। रूठ गई है साली, बीवी मायके में है। हेलो। हाँ कार। हाँ क्या कहने। अरे सुनो, वो अभी आप बोल रहे थे आपकी साली है, कोई रूठ गई है जो, तो मुझे रूठी हुई सालियों को मनाना बहुत अच्छे से आता है। वो कुंवारी है क्या? अरे भैया कुंवारी, एकदम कुंवारी है। वो का बात है, उसके लिए लड़का नहीं मिल रहा है ना, इसलिए रूठी हुई है। बीवी मायके में है। हाँ तो समझो कि लड़का मिल गया, ये लड़का मिला। अब मेरी उससे शादी करा दो ना, मैं भी कुंवारा हूँ, मेरी अभी तक कोई शादी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। प्लीज मेरी उससे शादी करवा दो ना, फिर मैं तुम्हारा ये एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और वैसे भी मैं भूलता नहीं हूँ, मेरी याददाश्त बहुत तेज है, मेरे को कोई बीमारी। निकल निकल यहाँ से, फ्री की खचोरियाँ बट रही है यहाँ पे।
जब देखो तब अपने दोस्तों के साथ आ जाता है मटर कश्ती करने के लिए। दोबारा यहाँ दिखाई दिया ना तो सिलबट्टे पे चटनी की तरह पीस डालूंगा। चल निकल निकल, चल हट। कुछ हुआ था क्या? अरे नाना तू चिंता ना कर, दोनों जाएंगे गहने खरीदने, मैं डिस्काउंट वगैरह थारा करवा दूंगी मैं। ओके डोंट वरी। हाँ चल अभी फोन रख। एक मिनट, तू वो है ना अपना, तू फूलू वाला तो नहीं कहीं? जी मैडम, हमको है ना वो गोलू हवलदार बुलाने के लिए आया था। अरे तो बताना यार मेंढक। चलो डन, फिर यो काम तू करेगा, गाड़ी सजाने का काम थारे जिम्मे। लेकिन मैडम जी तने गड़िया तो दिखा दीजिए हमका। हाँ चल आजा। बबलू आजा, कचर दे मारा पैर, कचर दे, कूद ले इस पे। हाँ बबलू, यो है वो गाड़ी जिसे तने बड़ी है ना फूलों से ऐसे सजाना है जैसे कि कोई नई नवेली दुल्हन। तने कवरवा तो हटवाई है। कवर क्यों हटाना है यार, कवर क्यों हटाना है? देख नहीं रहे कितनी हवा चल रही है, धूल मिट्टी उड़ रही है, आंधी सी आई हुई है, इतनी मिट्टी में गाड़ी खराब हो जाएगी मैडम। ऐसी गंदी गाड़ी फिर किसी को देते हो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अरे जब तक कवर नहीं हटेगा। अरे तो तब तक हमको पता कैसा चलेगा का गाड़ी पे कितना फूल लगाने हैं? यही तो कह रहा है, हटाओ कवर। रुकना यार, क्यों जल्दी, रुक जा राम राम। एक मिनट, मैं देख रही हूँ कि जब जब गाड़ी का कवर हटाने की बात हो वे इन दोनों की मर जावे नानी। कोई कांड हुआ है? कवर हटा। कवर नहीं हटेगा मैडम। यस मार लीजिए मैडम। आपके हाथों में जितनी ताकत है और मेरे गालों में जितनी बेशर्मी भरी है सब निकल जाने दीजिए, लेकिन मैं इस बबलू फूल वाले के लिए ये कवर नहीं हटाऊंगा। तो किसके लिए हटवाएगा ना? मैं गेंदा गदरीली बुलवाऊं थारे लिए, फिर हटाएगा तू कवर? आई डोंट माइंड। हाय सॉरी सॉरी। बाल कतई सारे जो है टकले से झड़ रहे हैं, पर गेंदा गदरीली आई डोंट माइंड में चल रहा यो आदमी। आपकी सहेली, सिर्फ आपकी सहेली है, हमारी वो कुछ नहीं है। आज मैडम, आज आपने हम दोनों को पराया कर दिया। मैडम क्या इस शादी वाले घर में हमारा इतना भी हक नहीं बनता कि फूलों से सजाने की एक छोटी सी जिम्मेदारी हम दोनों अपने कंधे पे उठा सके? या मॉम, आप हमें क्यों समझ रही हैं? इतना पराया इज्दा, मुझे बैन से पीटता था मेरा ताया इज्दा। डिजर्विंग कैंडिडेट है तू। मैडम इस कार को हम लोग दुल्हन की तरह सजाएंगे। मैं खुद बागों में जाऊंगा और वहां से एक एक फूल चुन चुन के लाऊंगा और भैया उन फूलों को बड़े अरमानों से इस कार पे सजाएंगे मैडम। और इस काम के लिए हमें इस बबलू माली की कोई जरूरत नहीं है मैडम। या मॉम, वैसे भी ना मार्केट में इसका कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। हाँ मैडम जी, अरे आपका हमका बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया है यहाँ पर, बीवी मायके में है। तुझे ले आ, बीवी नू मायके तो ले आ जा। पड़ गया चैन, भगा दिया उसे। ओके इस गाड़ी को फूलों से सजाने की जिम्मेदारी तुम दोनों की है गोपी बिल्लो। इसको बढ़िया चकाचक एकदम दुल्हन की तरह फूलों से सजाओ, और जरा सी भी अगर इसमें गड़बड़ी हुई मैं कह दे रही हूं उन्हीं फूलों की दो माला बनाऊंगी मैं अपने हाथ से पिरो के, और वो चढ़ेगी तुम दोनों की फोटुओं पे, समझे कि नहीं? समझ गए। राउंड पे जा रही हूं मैं, वो लहंगे वाला आया तो उसे बिठाना, रोक के रखना। ओके ओके मैडम ओके। एक बार फिर से बच गए भैया। वेल ब्रो, ये तो मेरे अच्छे कर्म किए हुए हैं, अच्छे पुण्य किए हुए हैं जो बार बार हम बच रहे हैं। ये आपके पापों का फल है भैया। वेल
जो गाड़ी ठुक गई है। अब मैं मंदिर जाता हूँ, ओके आता हूँ, ताकि कुछ पाप कम हो। आप चलो अंदर, मतलब अंदर जाओ ना भैया प्लीज, कोई है नहीं ना चौकी में। वेल नहीं भैया, ऑल इज वेल। ओ बिल्लू, मैं भगवान के मंदिर गया था प्रार्थना करने, बस सब कुछ इसी तरह से संभला रहे और विदाई के पहले नई गाड़ी सही होकर आ जाए और किसी को कुछ पता ना चले भैया। क्या पता ना चले हैं? कर दिया ईप के कांड कर दिया मैडम, बस किसी को कुछ पता ना चले यही सुना है ना आपने? हाँ यही सुना, और इसके आगे वाला ईप तू बताएगा। बोल बोल जल्दी बोल। यो क्या कर दिया बोल। मैडम मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है भैया ने किया है। दरअसल मैडम क्या है कि ना, भैया की एक पड़ोसन है, भैया ने उनसे कहा कि मेरे साथ फिल्म देखने चलो, उन्होंने खींच के थप्पड़ मार दिया भैया को। तो वही बात भैया मुझे बता रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि भैया मुझे तो आपने बताया बताया, लेकिन ये बात किसी और को पता ना चले, वरना आपकी तो चलो होती रहती है, लेकिन साथ साथ में पुलिस डिपार्टमेंट की कितनी बदनामी और बेइज्जती होगी। यार तने शर्म ना आती इस एज में, बिल्कुल चमरगिद की उम्र में यार। अरे इतना ही नहीं, हमारे डड्डू ने एक बार एक ही टाइम पर 500 पूरी झटक ली और डकार भी नहीं ली। आपके लिए एक स्पेशल मेहमान लेके आए हम, लहंगे वाले को खुद पकड़ के ले आए यहाँ पर है। नमस्ते मैडम, नाम है हमारा लहंगा तिवारी, रात में बहुत बड़ी लहंगे की दुकान है हमारी, बहुत सारे लहंगे लेके आया हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा बिल्कुल। ये देखिए ये देखिए। अरे तू यो बता, तैने उसको कार को दिखाई नहीं लेंगे, उसने कोई पसंद वगैरह करा? अरे मैडम मैंने जाते ही दिखा दिए और उनको बहुत पसंद आए लहंगे। अब आप बताओ आपको मैं कौन सा दिखा दूं, लहंगा जरीदार, कलीदार, या डलीदार, या फिर दिल चीज क्या है, या ठाड़े रही हो? मैडम एक बार आप ये देखिए मैडम। कैसे चमचमा रहे इसके कोने कोने। लहंगा लाइसेंसी है, एकदम फैंसी है, दिखा लीजिए। है तो अच्छा। या दिस वन आई लाइक हिम। यो पिंक घना गोडी कलर्स है, हमारे पे तो ना अच्छा लगेगा, कुछ और दिखा यार। अरे तो मैडम दूसरा देख लीजिए, एक सेकंड, ये देखिए, ये देखिए मैडम। प्रियंका तो पहना था अभी, जो फिल्म आई थी ना उसी में पहना था मैडम, ये तो देखते ही पसंद आ जाएगा। दिस इज परफेक्ट, देखा, आई एम थॉरली इन लव विद दिस ब्लैक वन, माय चॉइस। तू प्रियंका नहीं पहना अपना, यो एकदम ब्लैक सा, मैं कोई ना गिनूं जो मैं यो पहन लूं। अब यो तू प्रियंका नहीं पहना अपना, यो एकदम ब्लैक सा, मैं कोई ना गिनूं जो मैं यो पहन लूं। यार कोई ढंग का दिखा वरना तू जा यार। अच्छा अच्छा समझ गया, आपको काला पसंद नहीं है लगता है। हाय हाय, एक सेकंड रुको, मैं गुलाबी गुलाबी कहां है? ये देखिए मैडम, इसे कहते हैं लहंगा लच्छेदार।
कटरीना होती है पहन के इसे तैयार। इसको देखिए मैडम आप एक बार गौर से देखिए, बारीकी से कसा इसका एक एक तार तार। ये पसंद आया? अरे थर्ड क्लास। यो वाला सही है, मतलब यो पहन लूंगी मैं, यो पैक कर दे तुम्हारे लिए। मैं नहीं कुछ चुनूंगी, बताई दे रही हूँ, डैडी जी आने वाले हैं और उनके आने से पहले अगर उनकी दी हुई कार नहीं मिली ना तो छत पे से धक्का दे दूंगी मैं आपको। हाँ बताई दे रही हूँ, जुल्फ जंजीर है, हुस्न अंजीर है। ए मैडम क्या हुआ, हमारी कार मिली या नहीं? आती है इनसे मैं मेरी तरह। अब यार भी यार पुलिस करते हैं काम, घना काम करे हम लोग, कितनी फाइलें पड़ी हैं। कोई कॉमेडी सीरियल बनाने के लिए तो पहनी ना है वर्दी। ना जरा सा अपने पर्सनल उसमें हो गए तो कतई रास ना आ रहा तुम्हें। सारे काम छोड़ के मतलब तुम्हारी गाड़ी के पीछे भग ले। अब कर रहे हैं कार्रवाई, टाइम लगा, हैव पेशेंस। अरे इनका हाय हाय, अब तुम्हें क्या हो गया? अरे इनका हाय हाय, अब तुम्हें क्या हो गया? ना चुनरी में क्यों घुसे पड़े हो? मैडम मटेरियल की क्वालिटी चेक कर रहा हूँ मैं आजकल ना, ऊपर बाहर सही कपड़ा लगा देते हैं, अंदर वैसे ही गोल कर देते हैं कुछ मैडम, इसलिए। ओह माय गॉड कितनी सुंदर चुनरी। वाओ वाओ। ए जी सुनो, हमें भी दिलवा दो ऐसी चुनरी, सिर्फ जंजीर है उसने अंजीर है। ये कमल कांटा भैया, ये क्या बेहूदगी है? वेल ये पुलिस स्टेशन है, कोई शॉपिंग मॉल नहीं है। अपन वहां पे चलेंगे ना तो तभी मैं दिलवा दूंगा तुम्हें अच्छी वाली। अभी ये दे दो जाओ, हाथी हैंडसम है मेरी तरह। हाँ सॉरी 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 सॉरी, थैंक। अरे यार तुम यहाँ अपना बिल्कुल पारिवारिक, तुमने दरवाजे खोल लिए, यहाँ चलो ना यार। चलो 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 चलो। ये उसका ही है। Excuse me. क्या? The real face? अबे तू चल ना यार। Okay. Good choice. वो तो है। जल्दी चलिए, चल के देखते हैं गाड़ी का काम कितना हुआ है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है हमारे पास में। पता नहीं इसने गो फास्ट इसके पास जा रहे थे, ये खुद यहाँ पे आ गया। अरे गाड़ी तो नहीं लेके आए हो ना? गाड़ी मत लेके आना अभी, गाड़ी हम ना जब फोन करेंगे तब लेके आना, जब मैडम नहीं होंगी ना फिर हम ये पुरानी गाड़ी हटा के नई गाड़ी यहाँ पे लगा देंगे। अभी नहीं अभी नहीं अभी जाओ। अरे मैं क्या बोल रही हूँ वो तो सुन लो, ठोक पीट के धीरे बोले धीरे बोले, मोम आ जाएगी। चाहिए बता गाड़ी बन गई? हाँ गाड़ी एकदम बन गई है, डेंट हटा के आ रही हूँ, पेंट लगा के आ रही हूँ, पर उसके बाद क्या हुआ ये तो सुन लो ठोक पीट के। तो जल्दी बता ना क्या बात है? कार चोरी हो गई। ओह माय गॉड नवेली कार चोरी करवा दी तूने? अरे बिल्लू उस्ताद सच बोल रहा हूँ मैं, अरे पेंट लगा के पीछे मैदान में छोड़ के आया था मैं सूखने के लिए, दो घंटे के बाद गया तो कार गायब, ठोक पीट गया। वेल बिल्लू हम पे टूट पड़ा है पहाड़ इसदा, मॉम उखाड़ देगी हमारी जिंदगी का झाड़ इसदा।
भैया ये सब छोटी है, फिलहाल अभी अंदर चलते हैं, कहीं मैडम ने हमें इसके साथ यहाँ देख लिया ना तो उन्हें और भी ज्यादा शक हो जाएगा। और तू निकल ले स्मार्ट, ठीक है ना? एक काम दिया था तुझे, वो भी तू ढंग से नहीं कर पाया ना। बिल्लू उस्ताद, अगली बार ध्यान रखूंगा, ऐसा हो ना। अगली बार के लिए तू बचेगा नहीं, मेरा काम हो जान दे, फिर मैं तेरी सारी स्मार्टनेस निकालता हूँ। हो गया भैया, चलो उठो ना, फिर ऐसे अच्छा लगता है क्या? वेल बिल्लू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मॉम को पता चल जाएगा और वो हम दोनों को गोली मार देंगी। भैया मत डराइए ना, मत डराइए, अभी है थोड़ा टाइम हमारे पास, कुछ ना कुछ करेंगे हम लोग।